हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जे क्वेरी। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन कैसे क्रिएट करेंगे, आपने वेबसाइट तो एक्सेस की होंगी, तो जब आपने देखा होगा काफ़ी आपने एनिमेशन देखा होगा वेबसाइट पे, वो कैसे होता है। तो आज हम वो सीखने वाले हैं, एक छोटे छोटे एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास पहले से बनी हुई एक डिव और एक बना हुआ बटन, तो मैं इसको ही यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक डिप बना ली है जिसकी आईडी मैंने बॉक्स 0 बन दे दिया, मैं इसी का यूज करूंगा। और ये तो आईडी है, ऊपर देखो तो अगर ऊपर होगा बटन तो आप देख पा रहे हो, ऊपर बटन के लिए मैंने एक ऊपर बटन बना लिया है और नीचे मैंने स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने तैयार कर दी है। तो इतना काम मैंने कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो दोस्तों, इसमें एक एनिमेट फंक्शन होता है जिसको हम यूज करने वाले हैं, और जैसे कि आपने CSS में एनिमेशन बनाए होंगे तो वही आप समझ लीजिए कि CSS का हम यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बटन की CSS लिख दी है और एक बॉक्स 01 की भी मैंने एक CSS यहाँ पर लिख दिया, जो कि मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया और पोजीशन उसमें दे दिया, और पोजीशन एब्सोल्यूट ले लिया मैंने। अगर आपको पोजीशन के बारे में नहीं पता तो आप HTML का वीडियो देखिए हमारा, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा W3 को, क्योंकि मैंने भी यहाँ से ही सीखा, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं यहाँ से सीखता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ है एनिमेशन, तो एनिमेशन में एक फंक्शन होता है एनिमेट मेथड होता है, ये इनबिल्ड होता है, ये इसका हम यूज करते हैं। तो अब देखिए, इसमें पहले पैरामीटर पास किया जाता है, फिर स्पीड आती है, फिर कॉल बैक आता है। एनिमेट फंक्शन यूज करेंगे सेलेक्टर के बाद, फिर एक पैरामीटर आएगा जो कर्ली ब्रैकेट में आएगा, कॉमा लगा के स्पीड आएगी उसकी, और स्पीड के बाद कॉल बैक आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, छोटा सा मैं कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ गए आई थिंक। आप शुरू से अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं चैनल पर है तो आप ये समझते होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बटन को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं बटन क्या सेलेक्टर लिया मैंने, सेलेक्टर है मेरा बटन। और यहाँ पर मैंने कौन सा मेथड यूज करा हूँ, क्लिक, यानी कि बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो उसमें क्या हो, जो बॉक्स वन है वो एनिमेट हो। तो यहाँ पर अब मैं चलता हूँ, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना जो ट्यूटोरियल बंद हो गया था मेरा, इसको मैंने फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पेज की बात कर रहा था मैं, पेज मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्लिक तो हो रहा है बटन पर बट यहाँ पर अभी एनिमेटर मैंने CSS नहीं दिया। तो मैं लगाऊंगा अंदर कर्ली ब्रैकेट, तो मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें सिंटैक्स, कर्ली ब्रैकेट होगा और दूसरा स्पीड आती है कॉमा लगाकर, और तीसरा कॉल बैक। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लेफ्ट लिखा है और एक CSS मैंने दे दिया, जो CSS मैंने पहले दी थी वो मैंने थोड़ा कम कर दिया, PX 250 दे दिया, तो वो लेफ्ट की ओर चला गया है क्योंकि हमारा डिव जो है लेफ्ट से मेजर हो रहा है। जो पोजीशन है उसकी, अगर मैं राइट लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो पोजीशन है हमें लेफ्ट से हम लेते आ रहे हैं। तो अगर आपको राइट को जाना है तो आपको लेफ्ट वाली पोजीशन को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट 0 से चल रहा है। तो 250 किया मैंने तो वो माइनस हो गया क्योंकि जो इसके जो रिलेटिव जो मतलब के जो एक्चुअल आपने लेफ्ट मार्जिन दिया वो 500 दिया शायद, तो 500 से जब मैं कम करूंगा तो वो लेफ्ट की ओर जाएगा, और जब मैं 500 से ज्यादा करूंगा तो इसलिए राइट यूज नहीं होगा। पर मैं टॉप लिख के देखता हूँ, टॉप करूंगा तो टॉप चल जाएगा, ठीक है टॉप चल जाएगा। मैं यहाँ राइट लिखूंगा तो राइट में यहाँ दे देता हूँ 600। तो राइट का मतलब समझ नहीं पा रहे आप, या देखिए क्या यहाँ पे एक समझने की बात है, यहाँ मैंने लेफ्ट 500 दिया यानी कि लेफ्ट जीरो से वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लेफ्ट ही लिखना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट लिखूंगा और मैं 500 जो CSS दी उससे ज्यादा लिख दूंगा तो वो आगे की ओर खिसक जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट से मार्जिन लेता जाएगा। थोड़ा यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। तो मैं जो लेफ्ट लिख रहा था वो यहाँ पर गलत कर रहा था, अगर मुझे राइट से मैंने मार्जिन शुरू किया होता उसका तो मैं राइट लिखता, मैंने लेफ्ट से शुरू किया 0 से तो मैं लेफ्ट लिखूंगा उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, बटन पर क्लिक करके ये एनिमेट हो गया। ये तो छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, आपने वेबसाइट तो एक्सेस की होगी। तो अब हम देखने वाले हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज। दोस्तों वही CSS है जो आप CSS यूज करते हैं, बस यहाँ एनिमेट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है CSS और आपके जो एलिमेंट है उस पर वो अप्लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मल्टी की बात आती है तो मल्टी CSS भी लिख सकता हूँ। तो देखिए, मैं इसको नीचे अरेंज कर लिया है ठीक से, कॉपी पेस्ट का यूज करूंगा क्योंकि ये एक आसान चीज है, आई थिंक आपको आती है सब, ठीक है सब CSS ही तो लिखनी है, कॉमा लगाकर, बाकी कुछ नहीं है। तो मल्टी, अभी हमने एक CSS देखी थी, तो मैं अब मल्टी कैसे लिखेंगे, कॉमा लगाकर पहले CSS लिखेंगे, लेफ्ट 250 कॉमा, ऑपेसिटी देंगे 0.5, हाइट देंगे 150 और विड्थ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
जो इसकी हाइट है वो हाइट विड्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी जो हाइट विड्थ है वो 100 px दिया हुआ है और यहाँ मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनिमेशन जब एनिमेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो CSS मैंने बढ़ा दिया, तो देखिए अब मैं यहाँ पर कम कर दिया मैंने तो कम हो जाएगा। तो अब लेफ्ट जो मैंने लेफ्ट था वो भी मैंने ज्यादा दे दिया तो वो आगे जाएगा और छोटा हो, आपको ऐसे प्रतीत होगा जैसे छोटा हो रहा है, बॉक्स छोटा हो रहा है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है जो हम यूज कर सकते हैं अपने जो फ्रंट एंड पर अगर काम करते हैं, अगर आपको वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आती है जो हमें एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव वैल्यूज़ देख लेते हैं, रिलेटिव वैल्यूज़ का मतलब आप समझ जाएंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो आपने पढ़ ही रखा है, उसी को लेकर है बस, और सारी डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, आपको सब ये मैंने दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट हो या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो मैं लेफ्ट लेता हूँ 900 px, यानी कि मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। हाइट मैंने किया प्लस इज इक्वल टू 15, तो प्लस इज इक्वल टू पहले हाइट कितनी है इसकी, पहले हाइट है 100, तो 100 में 150 प्लस करने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 150, तो देखिए 150 हाइट होगी। तो मैं विड्थ को भी ऐसे किया, विड्थ भी इसी तरह से आएगी जो पहले हाइट थी मेरी 100, तो 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 150, तो मैं थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो यहाँ मैंने टॉगल बना दिया। टॉगल मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, अगर मैं टॉगल लिख देता हूँ तो वो टॉगल कर लेता है, बटन पर क्लिक करूंगा तो टॉगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमेट हम यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक स्पैन ले लेता हूँ, एक स्पैन और ले लेता हूँ बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये टॉगल वाला मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, डिटेल पूरी बताई थी मैंने। तो यहाँ पर मैं एक स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन में एक मैं दे देता हूँ एक CSS। दोस्तों बस यहाँ CSS का खेल है, अगर आपने CSS किया हुआ ना तो यहाँ एनिमेट फंक्शन jQuery इसलिए दिया है jQuery में कि आप इसमें CSS लिखें और अप्लाई हो जाएगी एलिमेंट्स पर। तो देखिए यहाँ पर मैं लेफ्ट ले लेता हूँ 2 em, तो चलिए मैंने लेफ्ट ले लिया और मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने लेफ्ट लिया था और मैं फॉन्ट साइज इसमें फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब फॉन्ट साइज में दे देता हूँ इसका, और एनिमेट में मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि स्पैन तो आपके बॉक्स 1 के अंदर ही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कॉल बैक ला के देखता हूँ, तो शायद मैं कॉल बैक ठीक से लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। कॉल बैक में मैं करना चाहता हूँ कि जो स्पैन है वो एक वो भी एनिमेट हो जाए, तो यहाँ पर मैं CSS लिख देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो आपने दोस्तों देखा ही होगा कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन यहाँ पर दे सकते हैं jQuery में। देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, तो काम क्यों नहीं कर रहा है, तो अभी देखते हैं कॉल बैक काम क्यों नहीं कर रहा है, हम देखते हैं अभी। यहाँ पर अभी भी काम नहीं किया उसने, तो मुझे लग रहा है हमने कॉल बैक गलत लगाया, क्योंकि जो सिंटैक्स हमने देखा था वो सिंटैक्स ये था, पहले CSS आएगी कॉमा फिर स्पीड आएगी और स्पीड के बाद कॉल बैक आएगा, लेकिन हम वो पहले ही दे रहे हैं, स्पीड की जगह कॉल बैक ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं चला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूँ, चलिए छोड़िए बाद में देख लेंगे उसको। यहाँ पर अब हम लेते हैं टॉगल, टॉगल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अब एनिमेट में टॉगल भी काम करेगा। तो इसमें जो एनिमेट मेथड है दोस्तों, इसमें सारी CSS काम करेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो अलग अलग कंटेंट पर अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ और बनाता रहूंगा। तो पूरा jQuery को मैं ढंग से दिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ ले लेता हूँ टॉगल, तो टॉगल का मतलब वो क्या कर रहा है, हाइट पर मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पर देखिए यहाँ जाऊँगा और उस पर क्लिक करूंगा, तो हाइट क्या हो रही है, पहले उसकी हाइट कितनी थी 100, ठीक है 100 थी, मैंने अब यहाँ पर कोई भी हाइट नहीं दी, टोकन लगाया तो वो हाइट कम और ज्यादा हो रही। अब मैं चलता हूँ यूजेस क्यू फंक्शनैलिटी। क्यू फंक्शनैलिटी क्या होती है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ेंगे jQuery में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े सिंटैक्स जब आएंगे तो आप बार बार दोस्तों कुछ ऐसा तो मतलब शॉर्ट में ही लिखना पसंद करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे तो उसे एक वेरिएबल में हम फाइंड कर लेंगे, एक वेरिएबल में ले लेंगे उसको। तो जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ एक वेरिएबल, और ये जो डॉलर और ये जो सेलेक्टर है बॉक्स 1, इसको मैं सेव करा लेता हूँ बॉक्स के अंदर। तो अब मुझे यहाँ पर बॉक्स ही मैं यूज करके काम चला सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग CSS और भी CSS दे एनिमेट फंक्शन लाकर और बहुत ज़्यादा इसमें हमें काम कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बार बार मुझे बॉक्स ही लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉक्स में सेव करा सर्च करा लिया उसको एलिमेंट को, तो मुझे बॉक्स डॉट एनिमेट और उसकी CSS ये देखिए। उसके बाद मैं अब दिखाता हूँ, मैं फिर बॉक्स लिखूंगा। तो इससे हमें फायदा क्या होगा दोस्तों, हमें बॉक्स का यूज करके मैं नीचे अब सेपरेट और भी मैं CSS इसमें बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए अब
यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया और बढ़ा लिया। और आगे देखिए, मैं इसलिए कहते हैं इसमें क्यू, क्यू मतलब लाइन में, एक लाइन आप लाइन में मान लीजिए, अब बहुत सारी आपको सीएसएस लिखनी होती तो आपको एक ही में आपको लिखना पड़ता। अब मैं यहाँ पर अलग अलग दे रहा हूँ और मैं चेंज भी कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बार में चेंज कर दे रहा हूँ सीएसएस को, क्योंकि आप एक ही उसमें चेंज तो नहीं कर सकते थे, तो मैं दोबारा एनिमेट लाकर उसको चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अब ये वाला जो होता है, देखिए फंक्शन ये बहुत, ये भी मैं अगर कहूँ आपसे तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमने एक वेरिएबल, हम क्या लेते हैं स्पीड, मैंने पिछली बार बताया था आपको सेकंड नंबर पर एज अ पैरामीटर स्पीड आती है, मैंने स्लो लिख दिया तो सिंपल अब वो स्लो जाएगा। लेकिन हम पिछली बार क्या कर रहे थे, कॉल बैक गलत लगा रहे थे, वो इसके बाद कॉल बैक आएगा, स्पीड के बाद हम स्पीड की जगह ही कॉल बैक लगा रहे थे, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर पहला आ गया, हमने सीएसएस दे दिया और उसके बाद कोमा, फिर हमने एक स्पीड दे दी स्लो। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ, तो ध्यान रहे कि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही आएगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आ रहा है पहले, ठीक है ना। अब टेक्स्ट में भी मैंने थोड़ा सा सीएसएस लगा। दोस्तों वीडियो तो अच्छा लगेगा, लाइक करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए धन्यवाद। तो अब ये मैं लास्ट, अगर कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में तो नहीं बन पाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आऊंगा स्टॉप, एनिमेशन को आप स्टॉप कैसे कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है, इनबिल्ट मेथड है और यह सेलेक्टर स्टॉप लिखेंगे और स्टॉप ऑल। तो अब देखिए यहाँ किस तरह यूज करते हैं, यहाँ पर जो भी